जवाब नहीं पा। भाई जोड़ी तो लाजवाब है, ब्यूटीफुल। अरे सुधा की पसंद की हुई चीज कभी फेल नहीं हुई। ये जब किसी दुकान पर पहुंचती है तो सामान एक लेना होता है, लेकिन दुकान के सारे सामान को टटोल जाती है, साला दुकानदार परेशान हो जाता है। ये दिखाओ वो दिखाओ, लेना एक है। बहू पहली बार बंगले में आई हो और पर्दा कर रही हो, नहीं ये पुराने रीत रिवाजों को पीछे छोड़ दो, नए दौर में ढल जाओ, रुख से पर्दा हटाओ और चेहरा दिखाओ, तुम्हें आशीर्वाद दूं। याद रखो बहू, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? बहू पहली बार अपनी बंगले पे आई है, अभी इसे यहाँ का तौर तरीका मालूम नहीं। आते आते रहते रहते सब समझ जाएंगे, तो आप जो भी कहेंगे आपका कहने जरूर है। सुधा तुम्हें बीच में वकालत करने को किसने कह दिया? तुम बीच में टिप्पणी कर रही हो, तुम बीच में नहीं बोल सकती हो। बहू के कदम पड़ते ही तरफदारी चालू हो गई। अगर इसी तरह तरफदारी करती रही तो कुछ दिनों के बाद हमें बाहर ही ठिकाना लेना पड़ेगा। देख रही हो बहू, तुम्हारी इस दास तरफदारी करने लगी कदम पड़ते ही। सुधा बहू शर्म करेगी तो रोटियां बनाकर मुंह खिलाएगा, बात को खिलाओगी हमें यकीन है। लेकिन तुम बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता, मेरे बेटे की जीवन साथी हो, मैं रमन का पिता हूं, पहली बार शक्ल देखना चाहता हूं। सुधा बहू को समझा दो, नहीं याद रखो ये रिश्ता तोड़वा दूंगा, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। प्रणाम। आप भी अजीब बयान थी, आप थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। आप तस्वीर रखिए, मैं दिखा रही हूँ। बेटा रमन, बेटा रमन, बहू का चेहरा खोलकर अपने डैडी को दिखा दीजिए, डरो नहीं बेटा। महाराज की बेटी, एक अदना गुलाम की बहू नहीं, रिश्ता बराबरी का होता है। छोटे और बड़े का नहीं, जिस तरह धरती और आसमान के बीच फैसला है, उसी तरह हमारे और महाराज के बीच ये रिश्ता कभी नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कसम खिलाकर मजबूर करना चाहती है, और ये हराम ज्यादा इसे लेकर यहां। जोड़ी करना विनती करूं प्राण।
गणपति लो ये शमशीर से कर दो सर को कलम तैयार थे मानु मैंने लिया बतीती से कखन की ममता कितनी दयालु होती है, कितनी कोमल होती है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, मिटने को तैयार थे। मैं अपनी मां की ममता को न रोक सकी, मैंने इन दोनों का कहना स्वीकार कर लिया। अगर इसमें मैंने आपके साथ कोई गलती की है, कोई विश्वासघात की है, तो आप मेरा सर कलम कर। लेकिन इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहना, इन दोनों बच्चों की प्यार की मैं आपसे आंचल फैला कर भीख मांग रही हूं। इन दोनों बच्चों को बेटी बोलिए पापा। बेटी मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मार दिया जाऊंगा। मेरा बेटा जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझती है, महाराज की इकलौती संतान है, तेरे सिवा दूसरा कोई संतान नहीं है। तू एक रत्नसार की शहजादी है, तख्त वारिस है और महाराज के मस्तक पर वो दाग लगेगा जो 7 पुष्ट तक वो दाग नहीं मिटेगा। और वो दाग लगाना नहीं चाहता, तुम यहां से चली जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ, अपनी बहू मुझे स्वीकार कर। नहीं बेटी, तेरी शादी राजघराने में होगी, रमन के साथ रहकर तो वो सुख नहीं पाएगी जो सुख तुझे मिलना चाहिए। पिताजी मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, दुनिया की मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे रमन को मुझे दे दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, मेरे आंचल में डाल दो। मौज में आकर मौत को मत बोलो। रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे, यहां का शहंशाह बनना चाहता है। मैं शहंशाह बनना नहीं चाहता, गद्दारी का ताज अपने सर पर रखना नहीं चाहता। क्यों ना उस ताज में कोहिनूर का हीरा क्यों ना जड़ा हो, लेकिन मेरी नजर में मिट्टी के समान है। तुम यहां से चली जाओ। यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ, और आप तो जानते भी हैं कि कोई भी लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो डोली के साथ में जाती है, और जब हमेशा के लिए निकलती है तो उसकी अर्थी निकलती है। अगर मुझे यहाँ से हटाना ही चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए, मैं रमन के बगैर नहीं जी पाऊंगी। ये गलती तेरी है। तुम लोगों ने जो ये मसविरा बनाया है, यूनियन तैयार किया है कि मैं कसम खिलाकर मजबूर कर लूंगा, तो ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है। मैं इस मुल्क का
इस सेनानायक हूं। सेनानायक का फर्ज देश की रक्षा करना। मैं देश का गद्दार नहीं, मैं अपने फर्ज के लिए अपने आप को मिट सकता हूं। इतना ही नहीं, मैं अपने खानदान को मिटा सकता हूं। अपने फर्ज के लिए अपने कसम को तोड़ दूंगा, लेकिन अपने फर्ज को नहीं। याद रखो, ये बात यहां तक नहीं, ये बात राज दरबार पहुंच चुकी है और महाराज का हुक्म, रमन को गिरफ्तार करने आया हूं और इसे गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगा। तो ठीक है, आप रमन को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो ठीक है, आप रमन को गिरफ्तार करके लेकर चले। मैं भी देखती हूं कि मेरे रमन को कौन मारता है, मेरे रमन को मुझसे कौन छीनता है। आप भी अपनी ताकत लगा लेना और मेरे पिताजी भी अपने रमन को बचाने के लिए जमी तो क्या, मैं आज तक जाऊंगी। अरे तुम तो इंसान में यमराज से बिटक रह जाऊंगी। अपने रमन को पाने के लिए छल से बल से हिम्मत से ताकत से मैं किसी किसी तरह बचाऊंगी। आप गिरफ्तार भगवान के लिए सम्मत की कुछ तो सोचे, सिर्फ इकलौता बेटा है। बस बेटे के सिवा दूसरी कोई औलाद नहीं। अच्छा खेल खेला है। प्राणनाथ, मैंने कोई खेल नहीं खेला। जो एक माँ का फर्ज होता है वही मैंने किया, कोई पाप नहीं किया। तूने माँ का फर्ज अदा किया है। हाँ प्राणनाथ। और अपने पति के बारे में नहीं सोचा कि मेरे पति का क्या होगा। प्राणनाथ, औलाद औलाद होता है और पति पति होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। औलाद औलाद होता है, पति पति होता है, तो ठीक है। तू माँ का फर्ज अदा कर और अब मैं अपना फर्ज अदा कर। शिवाय रमन को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। सुधा, सम्मत कीजिए। याद रखो, अगर मेरा बेटा वहां जाएगा तो मैं मौत मारा जाएगा। रमन को छोड़ दो, नहीं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं अपनी गरिमा दिखा दूंगा, मेरे हाथ उठ जाएंगे। वाह प्राणनाथ, आज आप इतने कठोर हो गए, इतने निर्दयी बन गए। आपने क्या कहा, रमन को छोड़ दो नहीं मेरे हाथ उठ जाएंगे। प्राणनाथ, मुझे अपने आप का मरने का कोई गम नहीं। आप मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, शोक से मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए मेरे जीने के सहारे को मुझसे मत छीनिए। अगर इससे कुछ हुआ तो मैं एक ऐसा नहीं होने दूं। अगर हमें पहले मालूम होता कि ऐसा निकम्मा औलाद अपनी कोख से जन्म देगी तो जन्म देते ही उसका गला फोड़ देता। हमें ऐसा औलाद नहीं चाहिए जो मेरी गरिमा मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहा है। प्राणनाथ, कोई माँ बाप ये नहीं जानते कि माँ के कोख में अच्छा बच्चा जन्म लेगा या खराब। और प्राणनाथ, आपको अच्छी तरह मालूम है कि चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, औलाद औलाद होता है। भगवान के लिए सम्मत कीजिए। छोड़ दो इसे। बैजू सिपाही दाम। बैजू नहीं सरजू। रमन को खसीते हुए अब मारते हुए लेकर दरबार। Thank you.
बेटी पहल, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे बहुत समझाई, लेकिन तूने मेरा कहना एक भी नहीं मानी। आज तेरी बेटी की जान तूने किस मुसीबत में डाल दी? यहाँ भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले आज मैं जब अपनी पूजा स्थल पे पहुंचा और पूजा करना ही आरंभ किया था, तो हमारे आंखों में एक ऐसी चमक पैदा हो गई जिसकी द्वारा मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं देखता हूं कि मुल्के हिंदुस्तान के अंदर शहर रत्नशार है और वहां का राजा रत्नसेन है। उसके पास एक बेटी है जिसका नाम पायल है। उगरते वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, उगरते वो लड़की मेरे हाथ लग जाए तो एक दिन हिंदुस्तान की धरती पर मैं अपना पैर जमा सकता हूँ। क्यों नहीं बोल? तू आज ही निकल जा, और पायल नाम की छोकड़ी साली जहां कहीं भी हो उसे पकड़ करके मेरे पास ले आओ। जा, ठहर जा, जरा अभी तेरा नाम मानिंद है नहीं? और मानिंद वर्ड का पहला अक्षर वहां से पड़ता है। तू सिंह राशि का है और लड़की का नाम पायल है, वो कन्या राशि की है। तू नहीं आएगा क्योंकि मैं जो भी कार्य करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ। आई एम वेरी पैड, मैं तेरे को शेयर नहीं कर सकता। कमलाक्ष जाएगा क्योंकि कमलाक्ष एक मिथुन राशि का है, मिथुन का स्वामी बुध है और लड़की के राशि का स्वामी बुध है। hey, कमलाक्ष, कमलाक्ष ये एक शक्तिशाली राक्षस है, अगर ये चाह ले तो इस पृथ्वी को रसातल में पहुंचा सकता है। सुन, मैंने तेरे को किस लिए बुलाया है? सुन, शार में रोपती एक पायल सुकुमार, हरले करो जाबूसी का सिगरीमती को पायल सुकुमार,
हरण करो जाओ छिका जिगरी मती को तुम इसी वक्त ऑलगन टापू से निकल करके हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचो। राजा रत्नसेन की बेटी जिसका नाम पायल है वो साली जहां भी रेंग रही हो उस लड़की को उठा करके मेरे पास लाओ। जाओ कमलाक्षा मुझे पायल चाहिए जाओ। ये साला राक्षस नहीं है नो, इसे राक्षस मत कहिएगा, ये तो इस मुल्क का राजा है। इसका नाम राजा राघव राय सिंह था, मैंने इसे राक्षस बना दिया। इसकी पत्नी जो यहाँ की महारानी कहलाती थी विडाला नाम था, मैंने उसे डायन का रूप दे दिया और इसके सारे रेजिमेंट को सारी फौज को कंकड़ पत्थर बना दिया। इसके पास दो बेटियां थी, दोनों बेटियों को जादू पैलेस में डाल दिया और यहाँ की हुकूमत की बागडोर को अपने गिरफ्त में कर लिया। इसी तरह सारे राजाओं को किडनैप कर लूंगा, उन्हें राक्षस बना डालूंगा और फिर एक दिन संपूर्ण भूमंडल पे अपना अधिकार जमाऊंगा। क्यों नहीं लोग पूजा करेंगे तो किसी करेंगे, कामरान जादूगर की करेंगे। समझदार है तू, भगवान होगा तो कौन होगा, कामरान जादूगर होगा। लेकिन पैर संभाल करके आओ।